अब ये तीव्र प्रकाश कहां से आ रहा है? प्रतीत होता है स्वर्णिम पर्वतों और सागर के जल से घिरी ये स्वर्ण नगरी अवश्य ही रावण की लंका है। जय श्री राम। प्रभु श्री राम की कृपा से हनुमान सफलतापूर्वक लंका नगरी पहुंच गया। अब मुझे शीघ्र माता जानकी को ढूंढकर राम काज को पूर्ण करना चाहिए। जय श्री राम। शरीर के दाहिने भाग में कंपन मुझे शुभ संकेत दे रहे हैं। मुझे आभास हो रहा है कि हनुमान लंका पहुंच चुके हैं या शीघ्र ही हनुमान लंका पहुंचने वाले हैं और वो शीघ्र ही जानकी का समाचार लेकर लौटे। अस्ताचल गामी सूर्यदेव, मेरे द्वारा अर्पित किया हुआ जल स्वीकार कीजिए। भयभीत करने वाली ये भयंकर छवि किसकी है? कौन आया है यहाँ पे? अति सुंदर सुंदर है। अति सुंदर भी किसी को आकाश मार्ग से इस ओर आते हुए देखा है। इसकी भयानक विशाल आकृति से स्वयं सूर्य देव का प्रकाश भी बाधित हो गया। अवश्य लंका की दूसरी ओर स्थित लंब पर्वत पर उसके उतरने से ही भूकंप उत्पन्न हुआ होगा। स्वामी, उसकी भयंकर आकृति को देख मैं कांप उठी और मेरे हाथों से सूर्य जल का कलश गिर गया। स्वामी, ये बहुत बड़ा अशुभ संकेत है। स्वामी, इससे ये प्रतीत होता है कि कोई अनिष्टकारी छाया लंका में प्रवेश कर गई हो। मेरी पटरानी होकर आपको इस प्रकार भयाक्रांत होना शोभा नहीं देता। रावण भूमि है लंका नगरी। मेरा विश्वास कीजिए स्वामी, मैंने स्वयं अपने नेत्रों से देखा है। आकाश में उड़ती उस भीषण छवि से स्वयं परम प्रतापी सूर्य देव पर भी ग्रहण लग गया था कुछ क्षणों के लिए। इसी कारणवश लंका में अंधकार छा गया। मेरी आशंका अनुचित नहीं है। मैं अभी देखता हूँ। प्रभु श्री राम की प्रतीक्षा समाप्त करने, उन्हें माता जानकी का शुभ समाचार देकर उनकी पीड़ा हरने के लिए हनुमान को इस लंका नगरी के प्रत्येक कोने का निरीक्षण कर माता जानकी को अति शीघ्र ढूंढना होगा। ओ
चढ़ी लंका ते ही देखी, कहीं ना जाए अति दुर्ग विशेषी। अति उतंग जल निधि चहूं पासा, कनक कोटि कर परम प्रकाशा। राम सिया राम सिया राम जय हनुमान, राम सिया राम सिया राम जय हनुमान। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। यहाँ तो अत्यंत कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है, फिर मैं कैसे इस सुरक्षा चक्र को भेद कर लंका नगरी के भीतर जाऊं और माता जानकी का पता लगाऊं? स्वामी बा, वहां स्लम पर्वत की ओर देखिए। ये भव्य भवन उस दुष्ट रावण का राज प्रसाद तो नहीं? इस प्रकाश के कारण स्पष्ट दिखाई नहीं दिया, परंतु प्रतीत होता है मात्र छोटा सा वानर है वहां। अकस्मात मेरा बायां नेत्र क्यों कंपित होने लगा? मैंने कहा था ना स्वामी, ये हमारे अशुभ समय का संकेत है। मुझे भय है स्वामी, अवश्य कोई बड़ा अनिष्ट घटने वाला है। वहां और कोई नहीं, मात्र एक वानर प्रतीत होता है जो संभवतः छलांग लगाते हुए भटक कर यहां पहुंचा है। शीघ्र ही मेरे सैनिक उसको पकड़ लेंगे। लंकनी नाम है मेरा, लंका की सुरक्षा कार्य है मेरा। लंकने, लंकाधिपति महाराज रावण की जय। प्रणाम महारानी मंदोदरी, आदेश दीजिए दशानन, क्यों किया आपने लंकिनी का स्मरण? किसका करना है मुझे भक्षण? लंकने, मैंने तुम्हें एक अति आवश्यक और विशेष कार्य के लिए बुलाया है।
यहाँ तो भिन्न भिन्न प्रकार के राक्षस ताक लगाए खड़े हैं। इनकी दृष्टि से बचकर माता सीता को ढूंढने के लिए हनुमान को इस लंका नगरी में बड़ी सावधानी से प्रवेश करना होगा। लंका में प्रवेश करने का दुस्साहस किसने किया लंक ने? एक सिंह ने प्रयास किया था महाराज, परंतु वो जा नहीं सका भीतर। लंका के स्थान पर उसने मेरे उदर में प्रवेश किया। मुझे बताओ, क्या कोई बाहरी व्यक्ति लंका में आया है? लंकनी नाम है मेरा। लंका की सुरक्षा कार्य है मेरा। हे लंकेश, आप इस लंका की सेविका को अपमानित कर रहे हैं। मेरी अनुमति के बिना यहाँ पर कोई पक्षी भी पर नहीं मार सकता, और मुझे स्मरण नहीं कि मैंने यहाँ पर किसी बाहरी व्यक्ति को प्रवेश करने दिया हो। परंतु महारानी मंदोदरी को संशय है कि किसी प्राणी ने आकाश मार्ग से लंब पर्वत पर अनुचित प्रवेश किया है, जिसको उन्होंने वहाँ उतरते हुए देखा है। मेरा आदेश है लंकने कि तुम अपने कुशल सेनानियों को भेजकर ज्ञात करो कि वहाँ कोई है या नहीं। आप चिंता ना करें दशानन, यदि लंका की परिधि में किसी ने प्रवेश भी किया है तो शत्रुओं को कंकाल बनाने में पारंगत अपने सबसे विशिष्ट और सबसे भयंकर सेवक क्रोंचा को भेजकर मैं उसका पता लगा लूंगी और उसका विनाश भी सुनिश्चित कर दूंगी। प्रणाम दशानन। लंका मायावी नगरी है। जितनी सुरक्षा हनुमान देख पा रहा है, अवश्य ही उससे अधिक सुरक्षा की व्यवस्था होगी यहाँ। यहाँ कहीं भी किसी भी प्रकार का संकट हो सकता है, इसीलिए हनुमान के रूप में किसी शत्रु का आगमन हुआ है, इसकी भनक भी किसी को नहीं पड़ने दे सकता हनुमान। मुझे सूर्य देव के अपने विश्राम स्थल जाने की प्रतीक्षा करनी होगी, जिससे सबकी दृष्टि से बचकर मैं इस नगरी के भीतर जाकर सीता माता को ढूंढ सकूं। क्रोंचा की दृष्टि से बचकर कहां जाओगे? क्रोचा क्षमा कर दीजिए, ऐसी भूल नहीं होगी। हमें क्षमा कर दीजिए। तुमने क्या सोचा था कि क्रोंचा का एक नेत्र नहीं है तो तुम उससे बचकर निकल जाओगे? क्षमा कर दीजिए, हमसे भूल हो गई। क्षमा कर दीजिए, हमसे भूल हो गई। क्षमा कर दीजिए क्रोंचा, क्षमा कर दीजिए। रुक जाइए क्रोंचा, रुक जाइए। क्षमा कर दीजिए क्रोंचा, क्षमा कर दीजिए, ऐसी भूल नहीं होगी। क्षमा कर दीजिए क्रोंचा, क्षमा कर दीजिए, ऐसी भूल नहीं होगी। ये तो हमारी हो रहा है। क्षमा कर दीजिए।
तुम्हें क्रोनचा और उसकी शक्ति का ध्यान तब करना चाहिए था जब तुम लोगों ने लंका की सुरक्षा के कार्य में सावधानी बरती थी। मदिरा पान कर सोते हुए पाए गए थे। यदि कुछ अप्रिय घटित हो जाता तो मैं राक्षसी लंकनी को क्या उत्तर देता? क्रोनचा जीवित प्राणी है, तुम्हें यथाशीघ्र कंकाल में उसे परिवर्तित करना होगा। चिंता मत कीजिए, वो जो भी है क्रोनचा शत्रु को क्षण भर में कंकाल में परिवर्तित कर देगा। प्रणाम सूर्यदेव। मुझे और समय नष्ट किए बिना माता सीता को ढूंढने के लिए निकल जाना चाहिए। ओम क्लीम नमः। कौन स्त्री है जो यहाँ इस प्रकार मंत्र जाप कर रही है? क्लीम नमः, ओम 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 क्लीम नमः। कौन है ये और ये यहाँ रात्रि पूजन क्यों कर रही है? ओम क्लीम नमः, ओम क्लीम नमः। हनुमान अपने ध्यान को बटने नहीं दे सकता, मुझे माता सीता को ढूंढने निकलना ही होगा। हे महादेव, मुझे गुप्त मार्ग से लंका में प्रवेश करने में सफलता दीजिएगा ताकि मैं अपने अबोध पुत्र को रावण के कारागृह से मुक्ति दिला सकूं। गुप्त मार्ग। ओम क्लीम नमः, ओम क्लीम नमः। यदि यह सत्य है और लंका में प्रवेश करने का कोई गुप्त मार्ग है तो हनुमान को वो ज्ञात करना चाहिए। ओम क्लीम नमः। और यदि ये असहाय महिला संकट में है तो इनकी सहायता करना भी मेरा धर्म है। ओम क्लीम नमः। ओम क्लीम नमः। हे देवी, जिस प्रकार आपको अपने पुत्र को ढूंढकर मुक्त कराने लंका जाना है, ठीक उसी प्रकार मुझे भी किसी को ढूंढने के लिए इस स्वर्ण नगरी में प्रवेश करना है। क्या आप मुझे वो गुप्त मार्ग बता सकती हैं जिसका आप अभी अभी उल्लेख कर रही थी? यदि आप मेरी सहायता करेंगी तो हनुमान भी आपके पुत्र को मुक्त कराने में आपकी सहायता करेगा। मेरा लंका में प्रवेश करना अति आवश्यक है देवी, कृपया करके मुझे वो गुप्त मार्ग दिखा दीजिए। अवश्य, मैं आपको अपने साथ ही वहां ले चलूंगी। एक दूसरे के कष्ट के निवारण में सहायक बनना यही तो हमारा धर्म है। परंतु मैं प्रभु महादेव की पूजा पूर्ण किए बिना यहां से नहीं जा सकती। महादेव की पूजा? महादेव की पूजा करने से हमें अवश्य ही सफलता प्राप्त होगी। आप भी मेरे साथ उनकी पूजा कर लीजिए। हम्म,
जो आज्ञा देवी। किंतु पूजा स्थल में अस्त्रों का कोई स्थान नहीं। आज्ञा दीजिए माता। स्थान ग्रहण कीजिए। अपना शीश आगे कीजिए जिससे कि मैं आपका तिलक कर सकूं। से विचार अवश्य करना चाहिए। राम भक्त महाबली हनुमान को जानना है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।